29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को 1:05 से 2:24 तक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि करीब 30 साल बाद ये ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अन्य जगहों पर भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राहु और केतु को ग्रहण लगने का मुख्य कारण माना जाता है। कहते हैं राहु केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करते हैं तो ग्रहण लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का चंद्र ग्रहण केतु लगा रहा है। इस बार के चंद्र ग्रहण काल में तेज गति से चलने वाले चंद्रमा छाया ग्रह केतु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित होने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु ग्रह सांप की तरह होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा को डस लेते हैं और इसकी वजह से ग्रहण लगता है। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इन्हें छाया ग्रहण की श्रेणी में रखा गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी जातकों के मन और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है। ज्योतिष दृष्टि से चंद्र ग्रहण को ग्रहण योग की एक विशेष घटना के रूप में देखा जाता है। इस दौरान चंद्रमा और राहु या केतु के बीच का संयोग होता है। इसे राहु ग्रहण या केतु ग्रहण भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक का लग जाता है। इस बार साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां नजर आएगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, उज्जैन, बड़ौदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत कई शहरों में नजर आएगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।